Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सबका महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि कल पहला दिन रहा है सीएचएसएल का एग्जामिनेशन, वहां से हमने आपके लिए लाइव वहां से फीडिंग भी की है कि किस तरीके के प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं, बट उसी चीज़ को यहां पे साथ में जितने भी कल क्वेश्चन पूछे गए हैं कल उन्हीं की चर्चा करेंगे हम यहां पे बैठ के, और देखते हैं कि भाई आप सबको आज जल्दी से यहां पे क्या करना है, यहां पे इस लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर लीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स यहाँ पे इस चीज़ का बेनिफिट आ सके और सभी को, जितने भी एस्पिरेंट्स आपके नोन हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके कि किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दो। यहाँ पे सभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, शिव कुमार, निवृता हल्दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं निवृता हल्दिया, योर रिक्वेस्ट इज अंडर कंसिडर, डोंट वरी अबाउट दैट, आपकी रिक्वेस्ट हमें मिल चुकी है, उसको कंसिडर कर लेंगे हम यहाँ पे। तो आप सभी को जल्दी से जल्दी इस लिंक को शेयर करना है यहाँ पे। और गाइज, ये रहा आज का आपके लिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे। तो पहला प्रश्न ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिसॉल्व्स इन वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलता है, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। ऑप्शंस है ए बी सी, ए बी, ए डी ई, और इसके बाद लास्ट वन है यहाँ पे बी एंड सी। क्या होगा इसका सही जवाब बताइएगा एक बार। टेक्निकल टीम मुझे एक बार अलाइन कर दीजिए प्लीज। चलिए जल्दी से बताइएगा कि कौन कौन से विटामिन यहां पे पानी में घुल जाते हैं, यह चीज आपको बताना है यहां पे, ठीक है। विटामिन ए बी सी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए डी ई हो सकता है, या फिर बी सी हो सकता है, क्या होगा इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया भाई, भाई मुकेश शर्मा, बी एंड सी होगा भाई यहां पर, बिल्कुल सही जवाब है यहां पर। विटामिन बी एंड सी जो है ये पानी में घुलते हैं, और बाकी के जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल आपके विटामिन्स होते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। ए डी ई के जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल है, मतलब वसा में ये घुल जाते हैं यहां पे, किसमें, वसा में, जबकि ये वाटर में घुल जाएंगे, ये चीज आपने याद रखनी है। अब इसी के साथ यहां पे एक चीज को और कर लेते हैं हम यहां पे, इनका जो कॉमन नेम है वो भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो एक बार नजर दौड़ा लेते हैं कि किसका क्या क्या नाम है यहां पे। तो देखिए, जो विटामिन ए है इसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है यहां पे, ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से हो जाएगा। उसके बाद बी वन को थाइमिन है, फिर राइबोफ्लोमिन है B2 का, इसको बी कॉम्प्लेक्स भी हम कहते हैं यहाँ पे। इसी के साथ साथ अगर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें विटामिन सी आता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाएगा, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का, टोकोफेरॉल विटामिन ई का, एंड लास्ट में फाइटोमेडोइन जो है विटामिन के का हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कलेक्टिवली बी को हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये भी चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे, क्या कहते हैं, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी यहां पे कहा जाता है। और नाम याद रख लेने हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट है यहां पे, रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लोमिन, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए भाई, जिनका डी आंसर था वो बिल्कुल सही है, क्लियर हो गया सभी को। चलिए ठीक है, निवृत्ता हल्दिया बेटा बहुत बढ़िया, ट्रिक्स अगर आप याद कर सकते हैं डेट इज फार बेटर, ठीक है, बट डायरेक्टली याद कीजिए तो और भी अच्छा है यहां पर, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न यहां पे, ठीक है, प्रश्न क्या कहता है देखिए, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है। पहला है यहां पे माजुली है, ग्रीनलैंड है, स्वराज है, एंड लिटिल अंडमान है, ठीक है। चलो भाई, जो पीछे लिस्ट दी है ना सभी के सभी, वो यहाँ पे जितने भी दिया है वो सब याद करने हैं आपको यहाँ पे, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल हो गया, थायमिन हो गया, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। गगन चाह, संगीता कासवान, बहुत बढ़िया बेटा, अंजलि कुमारी, माजुली, अच्छा देखो जो माजुली है ये कहाँ पे है, असम में है यहाँ पे, मतलब ये भी पूछ सकता है किस स्टेट में है, दूसरा पूछ सकता है किस नदी में है, तो होगी वो होगी बीपी, ब्रह्मपुत्र नदी होगी यहां पे, ये भी चीज आपने याद रखनी है। ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें यहां पे, तो ग्रीनलैंड दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट होगा यहां पे, और ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है ये भी कभी कभी प्रश्न पूछता है, तो वो होगा डेनमार्क होगा यहां पे। अगर हम बात करें स्वराज द्वीप की, तो स्वराज द्वीप किसमें है,
अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? हैवलॉक हुआ करता था। और भारत में अगर हम देखें अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार का ये क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। यहां पे चीजें क्लियर होगी। जबकि लिटिल अंडमान के अगर अंदर देखें हम, तो यहां पे लिटिल अंडमान के साथ इसका नाम क्या अगर क्यों जा रखना है? क्योंकि पोर्ट ब्लेयर के बगल में है यहां पे। ठीक है, चीजें क्लियर होगी। यहां पे अगर हम एक और चीज देखें तो टोटल आइलैंड जो है वो अंडमान एंड निकोबार में, वो कितने हो जाएंगे? वो होंगे 572 हो जाएंगे। अगर लक्षद्वीप का पूछ ले तो लक्षद्वीप में करीब 36 आइलैंड है यहां पे। चीजें क्लियर होगी यहां पे। तो ये सारे के सारे चीजें आपने याद रखनी है। जो माजुली के साथ जा रहे थे वो बिल्कुल सही है यहां पे। ठीक है, भूपेंद्र गुज्जर भाई, क्वेश्चन जो कल पूछे गए थे उन्हीं को हम लेके आए हैं यहां पे। इजी क्वेश्चन भले है यहां पे। ठीक, चलो भाई, ठीक है। प्रतिभा लाल बेटा, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया सभी को यहां पे। हैवलॉक स्वराज द्वीप होता है, डेनमार्क, सब कुछ क्लियर हो गया। अगर लेकिन अगर एक और टर्म पूछा जाएगा तो वो होता है आर्चिपेलागो। द्वीपों का समूह जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। ये भी चीज आपने याद रखने है यहां पे। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न यहां पे। What is the number of base units in the international system of units? अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों की प्रणाली के में आधार इकाइयां की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। SI सिस्टम आपने पढ़ा होगा यहां पे, तो उसी में आपको बताना है यहां पे कि कितनी संख्या होती है। भाई स्मार्ट अविनाश, गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, लेकिन अब जल्दी से प्रश्न का जवाब दे दो यहां पे कि कितने होंगे यहां पे, ये आपको बताना है यहां पे। चलिए ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया ज्योति राय। ठीक है, जो हमारे पास चीजें हैं यहां पे जान के रखिए क्या क्या है। 7 यूनिट होंगे हमारे पास, लेकिन और कौन कौन सा सिस्टम है वो भी एक बार देख लीजिए चर्चा में है। तो एक होता है सबसे छोटा CGS सिस्टम, इसमें एक मास को दिखाएगा, द्रव्यमान को, जो सी आ जाएगा यहां पे, जी आ जाएगा। एक लेंथ को दिखाएगा जो सेंटीमीटर्स में हो जाएगा, और एक दिखाएगा टाइम को दिखाएगा। इन्हीं तीनों चीजों के आधार पर अगर हम आगे चल के देखें, एक MKS सिस्टम होता है, एक FPS सिस्टम होता है। अगर हम मास की बात करें, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें फुट हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, और इसमें अगर देखेंगे तो केजी हो जाएगा। अगर वेट की बात करें, मास की बात करें, यहां पे लेंथ की बात करें, तो यहां पे क्या होगा, मीटर हो जाएगा, जबकि इसमें फुट हो जाएगा, जबकि टाइम में सेम रहता है, सेकंड सेकंड रहता है यहां पे। ठीक है, अब एक नजर दौड़ा लेते हैं हम यहां पे कि भाई कौन कौन से हैं यहां पे, याद रखिएगा आगे चल के। लेंथ ऐसा यूनिट होता है, मीटर का है, लंबाई का सिंबल एम हो जाएगा। इसके बाद मास आता है, द्रव्यमान, किलोग्राम हो जाएगा, केजी सिंबल हो जाएगा, टाइम सेकंड हो जाएगा, सब जानते हैं कि एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर से हम नापेंगे, जिसका यूनिट ए होगा, सिंबल ए होगा। टेम्परेचर, बस इसी को याद रखना क्योंकि हमने सेल्सियस हमेशा पढ़ के रखा हुआ है यहां पे, तो यहां पे केल्विन इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, यहां पे ये रखना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में किया जाता है, और लुमिनस इंटेंसिटी की बात करें जो चमकीलेपन को दर्शाता है यहां पे, तो वो कैंडला हो जाएगा। इसके बाद यहां पे अगली चीज क्या हो जाएगी, यहां पे डराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगे जो इनके आधार पे आगे चल के बनते हैं यहां पे। ठीक है भाई, मीटर पर सेकंड नहीं होता, मीटर पर सेकंड नहीं है भाई यहां पे। एफपीएस में फुट लंबाई को दर्शाता है यहां पे, पाउंड जो यहां पे मास को दर्शाएगा, और लेंथ को, ये टाइम का तो सेकंड सब में सेम ही रहता है यहां पे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड नहीं है भैया, जो मीटर पर सेकंड के साथ जा रहे थे वो गलत है यहां पे। चीजें क्लियर होगी। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहां पे। तो ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, किस तारीख को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये चीज आपको बतानी है। 10 अप्रैल, 5 जून, 12 अप्रैल एंड 16 सितंबर, किस दिन मनाया जाएगा ये आपको बताना है यहां पे। ठीक है भाई, वाट जो बेटा है निवृत्ता, वो डिराइव्ड यूनिट है यहां पे।
ठीक है, संगीता कांसवान बहुत बढ़िया, गगन चाहर इस बार सेकंड नंबर पे आ गए बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। 16 सितंबर को ओजोन लेयर ओजोन डे मनाया जाता है। अब ओजोन का केमिकल फॉर्मूला देखें तो ये O3 होता है यहाँ पे। अब इसके साथ ये क्या है, ये एक पॉइजनस गैस है, यहाँ पे क्या है, पॉइजनस गैस होती है, क्लियर। लेकिन ओजोन लेयर जो है एटमोस्फेयर में क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें यहां पे बचाती है, ये चीज आपको याद रखनी है यहां पे। और लेयर कौन सी होगी यहां पे, ट्रोपो के बाद आता है क्या, स्ट्रेटो, स्ट्रेटोस्फेयर में यहां पे आपको ये लेयर देखने को मिलती है। 1981 में एंटार्क्टिका के ऊपर होल्स देखने को मिले थे यहां पे, कब, 1981 में एंटार्क्टिका, क्यों, यहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का हमने बहुत अधिक प्रयोग कर लिया था यहां पे, और यूवी रे से प्रोटेक्ट भी करता है। अगर ये पृथ्वी पे आ गई, मतलब हमें छू गई यहां पे, तो यहां पे क्या होगा, हमें स्किन कैंसर होने की संभावना यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये भी चीज आपने याद रखनी है यहां पे। बिल्कुल ऑक्टोपस वाले निवृत्ता, बिल्कुल सही जवाब है यहां पे, बिल्कुल। अब इसके बाद हम गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहां पे, ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है यहां पे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोराफ्लोरा नहीं है, क्लोरोफ्लोरो है, ठीक, चलिए। और बहुत पंगन स्मेल, बहुत गंदी स्मेल भी आती है, तो ये भी चीज याद रखनी है यहां पे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, जो कल का जो प्रश्न पूछा गया था, अब आपको ये बताया पूछा गया है, व्हिच स्टेट इज मेंशन्ड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है यहां पे। नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। गेम्स ऑफ शेडोज, मॉक में से उसमें कमी आ रही है, पिछले अभी अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछा गया था, और ये भी निचोड़ निकल के आया कि पिछले 2 से 3 महीने का करंट अफेयर मोर देन इनफ है, ये चीज आप याद रखिए यहां पे। बुक से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है, गेम्स ऑफ शेडो क्लियर है। चलिए मिजोरम कैसे हो जाएगा भैया, मिजो, डेड मैन इज हेयर, ओके, ठीक है भाई। अब याद रखिएगा कि ये सारे के सारे नाम किसके हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं, जिनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहा जाता है यहां पे, क्लियर। अब जो ये 6वां शेड्यूल है, इसके अंतर्गत जो स्टेट है यहां पे, वो बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं यहां पे, वो मेघालय नहीं होगा यहां पे, मिजोरम है, यहां पे थोड़ा ऊपर चला गया यहां पे, क्लियर होगी चीजें। अब इसमें क्या कहता है, राष्ट्रपति जो क्या करता है, अनुसूचित जो जनजातियां होती है उनको डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है यहां पे, ये चीज आपने याद रखनी यहां पे, क्लियर। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं यहां पे, कुल मिला के 4 स्टेट्स हैं यहां पे, तो देख लीजिए कौन कौन सी होगी यहां पे, पार्डन, यहां पे दोनों चीजें आ गई इसमें, तो यहां पे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये चारों के चारों यहां पे आपकी स्टेट्स हैं जो 6वें शेड्यूल में मौजूद होती हैं। अब सिक्किम की बात करें यहां पे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में वहां पे मिजोरम पूछा गया था तो याद रखिएगा। अब यहां पे अगर हम सिक्किम की बात करें, इनको एकमात्र स्टेट ऐसी जिसको ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर कहा जाता है यहां पे। सिक्किम के अंदर अगर हम देखेंगे यहां पे, तो वहीं पे आपको नाथुला पास भी देखने को मिलता है यहां पे, ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही, मिजो, अब इसके सही है, लेकिन प्रश्न में कल वो पूछा गया था वहां पे, ठीक है, मेघालय भी था वहां पे, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यहां पे, अब आपको बताना है वेयर इज द रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है ये आपको बताना, बेला में है, वाराणसी में है, पटियाला में है, या फिर पेरम्बूर में है, कहाँ होगा ये आपको बताना है यहाँ पे। अंकित शर्मा बताइए क्या डाउट रह गया आपका, टेक्निकल इशू के चलते तरुण शर्मा यहाँ पे इसमें कलर हो रहा है, ओरिजिनली वहाँ पे जो हमारे तिरंगे की निशान है वो वैसे बरकरार है यहाँ पे, ठीक है। अंकित शर्मा कोई डाउट रह गया तो हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल दिया, वहां पे जुड़ के मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है भाई, पेरम्बूर, ठीक है भाई। देखिए सारे के सारे जितने हैं ना, ये रेल से संबंधित हैं यहां पे, किससे, रेल से संबंधित हैं, ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया, पेराब, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है यहां पे। सचिन राजपूत भाई, जिस जिसको कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल नीचे दिया गया है, वहां पे ज्वाइन कीजिए, कोई भी डाउट क्लियर करवा लीजिए वहां पे। चलिए
जो पेरम्बूर यहाँ पे है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, रेल कोच फैक्ट्री है। अब इसके साथ एक चीज और जान लीजिएगा, यहाँ पे जो बाकी की लिस्टिंग है यहाँ पे और कौन कौन से जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं हमारे, वो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जो वाराणसी में है वहां पे क्या आएगा, डीजल फैक्ट्री आ जाएगी यहां पे, क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे चितरंजन भी आपने नाम सुना है वहां पे, जो वेस्ट बंगाल में है, उसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आ जाएगा। अब अगर हम अगली बात करें यहां पे, मैं ब्लैक कर लेता हूं, तो रायबरेली में उत्तर प्रदेश में क्या आ जाएगा, वहां भी क्या आ जाएगा, कोच फैक्ट्री है। इसके बाद व्हील फैक्ट्री कहां आ जाएगा, टेक्निकली हाइड कीजिएगा प्लीज। चलिए अब एक चीज देख लीजिए, यहां पे बेंगलुरु में है, इसके बाद व्हील प्लांट एक और आ जाएगा यहां पे, ये कहां पे आएगा, बेला बिहार में आ जाएगा, और एक पंजाब में भी है, कपूरथला पंजाब में भी कोच फैक्ट्री ही रहेगा आपके लिए, और एक पटियाला में भी है, ये भी याद रखिएगा, जिसको भी डीजल इंजन यहां पे बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं, चीजें क्लियर, ठीक है। तरुण शर्मा वो टेक्निकल इश्यू के चलते है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है राहुल बेटा। भाई सबसे कल सेशन जो है वो अलग टेलीग्राम चैनल में शेयर हो जाता है, और डायरेक्टली आपको अगर सब्सक्राइब किया हुआ चैनल तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन ही मिल जाता है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर। पेरम्बूर में आपको ये सारे के सारे देखने को मिलेंगे, चीज़ें क्लियर। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब आपको बताना है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, निम्नलिखित में से कौन सा चोला राजवंश का संस्थापक था, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है भाई जल्दी बताइएगा कहां पे होगा। भाई तरुण शर्मा हमने बता दिया है, वो टेक्निकल इश्यू के चलते यहां पे हुआ है, ठीक है। कौन है यहां पे ये बताइएगा एक बार, राजेंद्र चोल कैसे हो जाएगा भाई, राजेंद्र चोल तो है वो आखिरी शासक होता है इसका, ठीक है। अब आंसर सही जान लिया यहां पे, विजयालय जो है ये यहां पे फाउंडर होते हैं किसके, यहाँ पे चोल वंश के संस्थापक होते हैं। अगर हम निंडू जेलियन की बात करें तो ये पांड्यन के संस्थापक होंगे, लेकिन जो और महत्वपूर्ण प्रश्न इसके साथ पूछे जाते हैं वो भी याद रखिएगा, वो इसके पूछे जाते हैं किसके, कि झंडे में कौन कौन से सिंबल हैं यहाँ पे, तो याद रखिएगा। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो चोला है, चोला में टाइगर हो जाएगा, और चेरा में एरो एंड बो हो जाएगा, धनुष और तीर कमान जिसको आप कह सकते हैं, और तीसरा है पांड्या मछली हो जाएगा, यहां पे टू फिशेज होंगी याद रखिएगा। तो ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा भी जाता है यहां पे, ठीक है। विजयालय राहुल सिंह बेटा ठीक है, यहां पे गुजराती बॉय बिल्कुल सही है बच्चे, ये तीनों याद रखना है, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, संगम डायनेस्टीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संगम डायनेस्टी भी कहते हैं, ये चीज आपने याद रखना है यहां पे। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, ठीक है। ठीक है, जो क्वेश्चंस बच्चे, जैसे डेडमैन हमें क्वेश्चन बताया गया बच्चों के, आप लोग ही हमें क्वेश्चंस बताते हो, तो जो क्वेश्चन रेलिवेंट था उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर फ्रेम कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब नेहा का भी आज एग्जाम था बेटा, एग्जाम कैसा हुआ, क्वेश्चन कौन कौन से आते एक बार शेयर कर दिएगा जरूर। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, यहाँ पे हाउ मेनी सीट्स ऑफ लोकसभा आर एलोकेटेड टू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। आरोही ठीक है बेटा, आरोही ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी बताइए कि क्या आंसर होगा बेटा, कितनी सीटें यहां पे दी जाएंगी, यहां पे किसको, लोकसभा को दी जाए, यूपी को दी जाएंगी लोकसभा के अंतर्गत। गगन चाहर सबसे पहले,
भाई बहुत बढ़िया, 80 सीटें सबसे ज़्यादा इसी के पास हैं, ये हम सब जानते हैं यहाँ पे, ठीक। तो 80 सीटें किसके पास होगी? उत्तर प्रदेश के पास होती हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अगली चीज़ है, जो क्वेश्चन को आगे चल के ये घुमा कैसे सकता है कि अगली चीज़ ये पूछ देगा कि अलग अलग राज्य में नंबरिंग देख लेते हैं। देखिए यूपी में अगर हम बात करें 80 सीटें किसकी हैं, ये इस तरफ लोकसभा है, इस तरफ राज्यसभा है। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसी को मिला, 80 सीटें मिली हैं। 31 सीटें राज्यसभा में के अंतर्गत है यहाँ पे। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आ जाएगा यहाँ पे, 48 सीटें लोकसभा की, 19 सीटें राज्यसभा की। और वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पर है 42 के साथ, और 16 के साथ ही है तीसरे नंबर के साथ, शेयरिंग करता है के साथ बिहार के साथ। ये चारों आपको याद रखने हैं, बिहार के, बिहार भी इसमें आएगा, चौथे नंबर पे आएगा। चीजें क्लियर होगी यहां पे? चलिए 22 क्वेश्चन किए बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, 80 सीजे, हाँ ये दोनों याद करके रखने हैं आपने, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, देखिए यहां पे तो ये पूछ लिया उसने कि सबसे यूपी की कितनी सीटें, आपको रट के रखा हुआ है कि भाई यूपी का सबसे अधिक है, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे नंबर के बारे में भी प्रश्न पूछ सकता है, तो वो भी चीज आपको याद रखनी है यहां पे। अगर टोटल सीट लोकसभा की बात करें तो वो कितनी है, 552 है, इसमें से 550 जो है वो इलेक्टेड है, जिसके लिए वोटिंग होती है, और 2 एंग्लो इंडियंस के लिए मौजूद है। ये टोटल सीट की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम प्रेजेंट सीट्स की बात करें तो कितनी होंगी, 545 है, जिसमें 543 इलेक्टेड हैं, और 2 यहां पे फिर से क्या है, एंग्लो इंडियंस है यहां पे। इस चीज को बायफर्केशन करके याद रख लीजिएगा, गुजराती बॉय स्मार्ट अविनाश, ये बहुत जरूरी है। प्रेजेंट सीटें अलग होती हैं और टोटल सीटें अलग होती है यहां पे। चीजें क्लियर होगी यहां पे? चलो भाई सभी का क्लियर है यहां पे। नॉमिनेटेड करता भी कौन है, याद रखिएगा इनको, राष्ट्रपति करता है, प्रेजिडेंट करेगा यहां पे भी, एंड यहां पे भी प्रेसिडेंट ही करेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति टोटल सीट कितनी पार्लियामेंट में करता है, तो वो कितने होंगे, 12 + 2 = 14, क्योंकि 12 किसमें करता है, राज्यसभा में, और 2 लोकसभा के अंतर्गत यहां पे मनोनीत करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अखिलेश यादव बेटा, तुम्हारी मेहनत है वो, हमने सिर्फ सपोर्ट किया यहां बैठ के, वो तुम्हारी मेहनत है कि तुम्हारे 24 अटेम्प्ट हुए यहां पे, ठीक है, उसका क्रेडिट आपको जाता है। सबसे पहले अगर आप पढ़ते नहीं तो यहां पे 24 क्वेश्चन कभी नहीं हो सकते थे, ठीक है। चलिए बेटा देखिए, चलो भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया, जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की है यहां पे। जाला पुनम भी 14 हो जाएगा यहां पे, क्लियर हो गया सब कुछ यहां पे गाइस। चलो अब सेशन पसंद आ रहा तो इसको शेयर तो कर ही सकते हो फिर ना, जल्दी से शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो फिर। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहां पे। अब आपको बताना है एक निबल कितने के बराबर होता है यहां पे, ये आपको बताना है यहां पे। जिस जिसका भी एग्जाम था आज या कल हो चुका है, उनके कोई भी डाउट है या फिर अपने वो सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कहीं आपको लगता है कि वो डाउट रहा आपके क्वेश्चन के बारे में, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं वहां पे। बस उसके लिए करना क्या है, नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़ना है। अब एक निबल किसके बराबर होता है ये बता दीजिए एक बार, 1 बाइट के, 4 बिट के, 8 बिट के, या फिर 4 बाइट के, हाफ बाइट, ठीक है, अच्छी चीज है। चलो भाई 8 बिट बता रहे हैं यहां पे, चलिए बहुत बढ़िया, जो जा रहे हैं 4 के साथ वो बिल्कुल सही है यहां पे। 4 बिट का एक निबल बनता है यहां पे, ये चीज आपने याद रखनी है, और 8 बिट का एक बाइट बनता है। चीजें क्लियर? और अगर बिट में देखें तो 0101 बाइनरी कोड्स होते हैं, वैसे दिखाएगा आपको 0101 करके, तो मतलब बिट में होते हैं 0101, ऐसे करके 4 होंगे यहां पे। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएगा यहां पे। चलिए अब इसके बाद कुछ और चीजें हैं वो देख लीजिएगा। एक बिट में 01 कोई भी एक बिट माना जाएगा यहां पे, एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और 1 KB में 1024 बाइट्स होंगे यहां पे। चीजें क्लियर होगी यहां पे? इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ाएंगे 1 MB में क्या हो जाएगा, 1024 KB हो जाएगा, MB के बाद क्या, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट हो जाएगा, 1024 MB हो जाएगा,
फिर एक जीबी के बाद आगे क्या होगा यहाँ पे, मेगा गीगा टेराबाइट, ठीक है, फिर पेंटाबाइट, ऐसे तरीके से आगे आगे चल के 1024 जोड़ते जाइए, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी यहाँ पे। और एक चीज याद रखिएगा, आज के दौर में भी हम यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का की कंप्यूटिंग में नहीं है, हम लोग किस में, आज भी हम चिप्स में जीते हैं, ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जीते हैं, भले उसमें आ जाता है यहाँ पे पेंटियम 7th generation 8th generation, लेकिन आज भी हम चिप्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी स्टार्ट हो चुकी है, बायोमेट्रिक्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, ये सब चीजें होती है यहाँ पे। चीजें क्लियर सभी को? अगर डाउट क्लियर है ये पूरा वाला बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब आपको बताना है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख, लद्दाख में कितने जिले हैं ये आपको बताना है यहाँ पे। दो जिले हैं, तीन जिले हैं, या सिर्फ एक ही जिला है? अरे चीयर्स होगा ना डेडमैन। ठीक है, पोटैटो चिप्स, अरे पोटैटो चिप्स खाने की बात नहीं करनी यहाँ पे भाई, बहुत बढ़िया। दो जिले हैं यहाँ पे, एक है करगिल, दूसरा है लद्दाख। कौन सा है? करगिल, और दूसरा तो अपने आप क्या आएगा, लेह लद्दाख का आ जाएगा यहाँ पे। अब लद्दाख के बारे में एक और जान लिखिए, भारत का कोल्ड डेजर्ट भी है ले एंड लद्दाख, जबकि हॉट डेजर्ट या फिर वार्म डेजर्ट कौन सा हो जाएगा, वो थार वाला अपना है ही है, पेटेंट है उसका। तो दुनिया का सबसे बड़ा बात करें तो वो कौन सा है, सहारा है। कोल्ड में सबसे बड़ा कौन सा का, एंटार्क्टिका होगा यहाँ पे, ये हॉट होगा और ये कोल्ड होगा यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे? चलिए अब इसके बारे में दो चीजें और जान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, और मौजूदा इसके गवर्नर आर के माथुर हैं, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ है, थोड़ा सा बड़ा है लद्दाख से, और सबसे छोटा जिला यहाँ पे कौन सा है, माहे है यहाँ पे, करीब 9 square kilometers का, बहुत छोटा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यूपी में सबसे अधिक जिले हैं, 71 जिले इस स्टेट में आते हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। डॉक्टर ब्रजेश यादव, सब कुछ क्लियर है ना? सहारा कहाँ स्थित है? सहारा भैया कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, देखो कैसे है ये, माली सहारा है, अफ्रीका है, तो लगभग ऊपर वाला ये पूरा हिस्सा जो मैंने शेड किया है ये पूरा का पूरा अफ्रीका है। इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर है जिसको मेडिटेरेनियन सी कहेंगे, इस तरफ यहाँ पे लाल सागर है, रेड सी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटलांटिक आ जाएगा यहाँ पे। चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे? चलो भाई बहुत बढ़िया। बेटा माहे जो है वो स्टेट नहीं है, वो एक यूटी है यहाँ पे, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। एशियन का गोभी है मंगोलिया के अंदर यहाँ पे, बहुत बढ़िया। चलिए सचिन राजपूत बेटा, जो डाउट होगा नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहां पे कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ वहां पे। चलिए देखिए, पुडुचेरी के अंदर पुडुचेरी, यमन, कराईकाल, माहे, ये कलेक्टिवली एक यूटी बनती है यहां पे, ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। आकांक्षा शर्मा बेटा, जिसका कोई अगर आपको लगता है कि ब्लॉक कर देगा, एक बार टेलीग्राम चैनल में मुझे बता देंगे, ठीक है, फिर हम अपने टेक्निकल टीम को बोल देंगे कि वहां पे असिस्ट हो जाएगा वहां पे। क्लियर? अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। इन विच मैच सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी, किस मैच में सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे शतक जमाया था, यह आपको बताना है। 80वें वनडे में, 78वां 79, या फिर 10वां है यहां पे, 10वें वनडे में किस में होगा? जयस गडेशिया, आप जो पूछ रहे हैं टेलीग्राम चैनल जो है गगनदीप महेंद्रास के नाम से होगा बेटा, गगनदीप महेंद्रास, इसका जो लिंक है यह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, 78 पारियों तक इनसे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 78 पारी में सबसे पहली पारी किसके खिलाफ खेली थी, पाकिस्तान के खिलाफ। अगर हम बात करें ओडीआई सेंचुरी की, ये अलग हो जाएगा, लेकिन इनकी सबसे पहली सेंचुरी थी
वो इंग्लैंड के खिलाफ थी जो टेस्ट के अंदर थी। यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ पे अब इसके साथ कुछ चीज़ें और हैं वो भी जान लेते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने 100वां शतक लगाया था 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे, और सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका पूरा नाम है। यहाँ पे 2013 में भारत रत्न भी मिल चुका है इनको, भारत रत्न से सम्मानित भी है। अब इनको राज्यसभा के लिए हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं यहाँ पे जो मुखर्जी साहब हैं, उन्होंने इनको मनोनीत भी किया था 2012 से 18 तक रेखा जी के साथ। यहाँ पे राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं नॉमिनेटेड के तौर पे। 200 टेस्ट खेल के इन्होंने 15,921 रन बनाए हुए हैं और ओडीआई में वनडे क्रिकेट में 463 मैच खेल के 18,426 रन भी इन्होंने बनाए हुए हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी। चलिए भाई भाई सेशन पसंद आ रहा तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना यहाँ पे। चलिए भाई 100th सेंचुरी हो गया बांग्लादेश के खिलाफ है यहाँ पे 78 वालों, ठीक है भाई गुजराती बॉय होता है कभी कभी, ठीक है। वहां पे अक्सर आप ढूंढेंगे ना, अगर आप इसके बारे में कोई सर्च करते हैं तो वहां पे लिखता है इट टुक 78 इनिंग्स टू कम गेट हिज फर्स्ट ओडीआई 100, तो वहां पे 78 लोग याद कर लेते, लेकिन 79 में तो वहां पे उसने शतक मार ही दिया था ना, ठीक है। लिटिल मास्टर भी कहा जाता है इसको। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे, ठीक। अब आपको बताना है यहाँ पे कुमाऊं हिमालयस कहाँ किन दो नदियों के बीच में है, ये आपको बताना है। यहाँ पे पहला है इंडस और सतलुज के बीच में, दूसरा है यहाँ पे सतलुज और काली के बीच में, तीसरा है काली और तीस्ता के बीच में, और लास्ट बनाता है तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र के बीच में। किस दो नदियों के बीच में यहाँ पे कुमाऊं हिमालयस है, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। परमार मेहुल भाई बाकी सब भी जल्दी जल्दी शेयर कर दो, ठीक है। आकांक्षा शर्मा बेटा आपकी रिक्वेस्ट मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जोगेश्वर लोधी काली तीस्ता का सतलुज काली, भाई बहुत बढ़िया शाकेत अहमद बहुत बढ़िया। भाई अगर हम इसको देखें तो इसको हम पंजाब हिमालयस कहते हैं, ठीक। इसको तो कुमाऊं कह ही दिया हमने, ये उत्तराखंड वाला एरिया आ जाएगा। अब इसकी बात कर हम अगर हम इसकी बात करें सतलुज एंड काली के बीच की बात करें तो ये नेपाल हिमालयस आ जाएगा। यहाँ काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयस है यहाँ पे, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में अगर हम देखें तो ये असम वाला आ जाएगा रीजन पूरा। चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। अगर हम हिमालयस की बात करें यहाँ पे तो हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है यहाँ पे, दुनिया की छठी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, एंडीज माउंटेन्स हो जाएगा, जो किस में है नॉर्थ अमेरिका में है यहाँ पे। हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहां पे, माउंट एवरेस्ट है यहां पे, जिसकी हाइट कितनी है 8848, जो पहले हुआ करती थी अब कितनी है 8850, यंग फोल्ड माउंटेन हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये हाईएस्ट पीक होगी, इसके बाद इसका नाम रखा गया किसके ऊपर, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। अब अगली चीज की बात करें राधानाथ सिकदर, ये वो पहला व्यक्ति था जिसने यहाँ पे इसकी हाइट को कैलकुलेट किया था। लेकिन हाईएस्ट पीक इन इंडिया की बात करें तो वो हो जाएगा कैंचन जेंगा हो जाएगा, जो कि किसमें है सिमकिम में आपकी आती है। हाईएस्ट पीक किसमें, हिमालय की भारत के अंतर्गत। चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे गाइस सभी की, कोई डाउट हो तो हमें बता दीजिए यहाँ पे, ठीक है। एंडीज भाई बहुत बढ़िया, मुकेश शर्मा नॉर्थ अमेरिका में है नॉर्थ नहीं भाई साउथ अमेरिका में है, साउथ नॉर्थ अमेरिका में तो रॉकीज माउंटेन्स होते हैं, करेक्शन कर लीजिएगा, साउथ अमेरिका में है नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। चलिए भाई बहुत बढ़िया सभी का क्लियर है ना। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहां पे, और ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न यहां पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या क्या है, इन विच ईयर वॉज राष्ट्रपति भवन वॉज कंप्लीटेड, राष्ट्रपति भवन किस वर्ष पूरा हुआ था, ये आपको बताना है यहाँ पे,
ठीक है, पहला 1930 है, फिर 31 है, 51 है और फिर 50 है। यहाँ पे नाथुला जेलबला बिल्कुल सिक्किम के अंतर्गत है, जो हमें तिब्बत को जाने के लिए रास्ता देता है वो है नाथुला पास है। यहाँ पे परमार मेहुल, बेटा कोई भी प्रश्न पूछना है तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब दे देंगे वहां पे जवाब तुम्हारे। 1931 बता रहे हैं सभी भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1931 वो वर्ष होता है जब ये खुल भी जाता है, यहां पे ये चीज आपको याद रखनी है यहां पे, ठीक है। राष्ट्रपति भवन है कहां पे है, रायसेन की पहाड़ी में है, रायसेन हिल्स, जो किसका हिस्सा है यहां पे, अरावली का हिस्सा है, ये चीज आपने याद रखनी है। यहां पे चीजें क्लियर होगी सभी के लिए यहां पे। अब इसके साथ कुछ इसके बिंदु और है, पॉइंट है, वो याद रख लीजिएगा यहां पे, वो कौन कौन से हैं। यहां पे देखिए, इसके जो चीफ आर्किटेक्ट वास्तुकार थे वो कौन थे, एडविन लैंडस्टी ल्यूटेंस, तो कभी कभी एडविन ल्यूटन भी कहते हैं, ये चीज याद रखनी है। अब ये बनना स्टार्ट हुआ था 1912 में यहां पे, जब तीसरा या तीसरी बार यहां पे जो दरबार था, दिल्ली दरबार था, वो स्टार्ट हुआ था यहां पे। दिल्ली दरबार में होता क्या था, दिल्ली दरबार के अंतर्गत यहां पे जो इंग्लैंड के राजा और रानी भारत में आते थे यहां पे, ये चीज आपने याद रखना है यहां पे, क्लियर। और स्टार्टिंग किसके दौर में हुई, लॉर्ड हार्डिंग के दौर में हुई थी और लॉर्ड इरविन के समय में ये कंप्लीट हुआ था, ये भी चीज आपने याद रखनी है यहां पे। अब इसके अंदर सबसे पहला जो भारतीय बैठने वाला था वो कौन था, सी आर गोपालाचारी, फर्स्ट इंडियन जिस इसमें बैठा था, क्यों, क्योंकि सी आर राजा गोपालाचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी थे आजादी के बाद, ठीक है, चीजें क्लियर हो गया यहां पे। वाइसराय हाउस भी कहा गया है यहां पे, सब कुछ ठीक है। सर्वेश कुमार बेटा सबकी क्लास होगी, डोंट वरी, ठीक है बिल्कुल। किरण जजेज, ठीक है, कंप्लीट 1929 में, फंक्शन में 1931 में आया था, बिल्कुल सही चीज है यहां पे, चीजें क्लियर होगी यहां पे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, तो ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न, हु इज द यंग ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस, शतरंज का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन था, ये आपको बताना है। पहला है मैग्नस कार्लसन, दूसरा है सर्जी कर्जिकिन, तीसरा है यहां पे परिमर्जन नेगी और डी है विश्वनाथन आनंद, ठीक है भाई। जया मौर्य बिल्कुल सही है, लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार हुआ था यहां पे। ठीक है भाई गगन, ध्यान से प्रश्न पढ़ो, यंगेस्ट पूछा है, यंगेस्ट टेक्निकल टीम, चलिए कौन सा होगा भाई, विश्वनाथन आनंद, देखिए यंगेस्ट कहा है, यंगेस्ट, ठीक है, सबसे कम उम्र का, बिल्कुल कल के ही प्रश्न जो है, जो एजुकेशन कैंपस कह रहा है, बिल्कुल कल के प्रश्न ही हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। संजय नागौम भाई नहीं, देखिए जो सर्जी हैं, जो रशियन देश के आते हैं यहां पे, 11 साल की उम्र में यहां पे ग्रैंड मास्टर बन गए थे हम यहां पे। अगर मैग्नस की बात करें तो यहां पे नॉर्वेजियन है, मतलब नॉर्वे से हैं यहां पे, तो आज की डेट में ये ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं यहां पे। और परिमर्जन नेगी जो है ये भारत के यंगेस्ट हैं यहां पे, यंगेस्ट इंडिया के। लेकिन विश्वनाथ आनंद की बात करें तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया, चीजें क्लियर होगी सभी की सभी चीजें यहां पे। तो जो सर्जी वाले भाई साहब हैं, खुशबू कुमारी बेटा बिल्कुल सही है यहां पे, जो नॉर्वे के से संबंध रखते हैं यहां पे, बिल्कुल सही है। नॉर्वे को अगर हम बात कहें तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है, यह भी चीज आपने, क्योंकि यहां पर सूरज डूबता नहीं है, डूबता क्यों नहीं है एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है यहां पे। चलो भाई अब अगर हम अगली चीज की बात करें तो यहां पे ब्लैक एंड व्हाइट गोटियां वहां पे खेली जाती हैं, तो 16-16 गोटियां होती हैं अगर टोटल वहां पे ऐसे बनाए दिखाया पड़ता ना, ठीक, तो कुल कितने स्क्वायर्स इसमें होते हैं, वो होते हैं 64, 64, 8 ऐसे होते हैं और 8 ऐसे होते हैं यहां पे, और जो नीचे की दो इस तरफ से और इस तरफ से दोनों 8-8 मतलब 16-16 गोटियां सबके पास होती हैं यहां पे, चीजें क्लियर होगी यहां पे, सही चीज है यहां पे।
विष्णु ठाकुर बेटा इब्राहिम लोधी कैसे हो जाएगा, इब्राहिम लोधी से लड़ करके यहाँ पे बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, ये चीज आपने याद रखनी यहाँ पे। पवन चौहान बेटा नॉर्थ पोल में नहीं है, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल की अगर हम बात करें तो वहां पे तो पोल है, वहां पे तो बर्फ पड़ी हुई है, यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे तो यहाँ पे सही आंसर क्या है भैया, वो है आपका सरजी कार्जलकिन है, यहाँ पे सही आंसर है यहाँ पे। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटी का जो छोटा जी होता है उसका मान कितना है वो आपको बताना है यहाँ पे। अच्छा डीप ऑप्शन यहाँ पे गायब है यहाँ पे, ठीक, दैट इज 7.8 मीटर। अब जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। ठीक है जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका, 9.8 मीटर होगा यहाँ पे। नजमा जुरेल बेटा जो नेगी है वो भारत का है, मैंने पूरी दुनिया का पूछा था वहां पे भाई, बहुत बढ़िया। 9.8 मीटर पर सेकंड या फिर इसको कभी कभी 10 में भी माना जाता है, 9-10 में हमने बहुत पढ़ा है, यहाँ पे 9.8 की वैल्यू हम 10 भी मानते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जो वहाँ पे बड़ा वाला ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी होता है यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला अगर देखें, जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे समझ लो सारी चीज़ें यहीं पे। आज जी कांस्टेंट है तो जी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6.674 × 10⁻¹⁻ मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। और 11.2 क्या है यहाँ पे, एस्केप वेलोसिटी, पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अगर बाहर जाना है, भागना है आपको, अगर आपको चांद पे फेंकना होगा मुझे, तो कम से कम यहाँ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए होगा, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। अब अगली चीज की बात करें यहाँ पे, इसी को हमने तोड़ के लिखा हुआ है, जो फोर्स है वो दो पिंडों के द्रव्यमान या मास के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। अब अगली बात करें हम यहाँ पे, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ चलिए अब एक चीज जान लीजिए यहां पे, जो फोर्स है वो दो पिंडों का अगर यहां पे द्रव्यमान बढ़ेगा यहां पे तो फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन दोनों के बीच में अगर दूरी बढ़ती है तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये भी चीज आपने याद रखनी है। यहां पे चीजें क्लियर होगी यहां पे, अगर इसमें कोई डाउट रह गया तो प्लीज हमें बता दीजिएगा यहां पे, ठीक। चलिए अब ये जो चार प्रश्न है ये आज आपके होमवर्क के लिए है, बहुत आसान से प्रश्न है। यहां पे हेडक्वार्टर पूछा गया है यहां पे साउथ वेस्ट रेलवे का कहां पे स्थित है, इसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं ये हमने पहले चर्चा की है, याद रखिएगा। और फिर इसके बाद पी गोपीचंद एकेडमी कहाँ पे स्थित है, एंड एरा ऑफ डार्कनेस जो बुक है वो किसकी लिखी हुई है यहाँ पे, ये चीज आपको बतानी है यहाँ पे। जी हाँ चलिए सोनाक्षी कुमारी बेटा आपका आंसर सबसे पहले है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई डाउट रह गया हो गाइस तो यहाँ पे बता दीजिएगा। अब अगर बात करें मैं यहाँ पे बिहार SI की मेंस की, तो यहाँ पे मैं और मेरे सहयोगी आलोक सर हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल बैच है, जो मेंस के बैच की प्रिपरेशन हम करवाएंगे, जिसमें संपूर्ण चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, चाहे वो हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे के सारे जो आपके फ्रेंड्स यहाँ पे इस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं वो इसके साथ जुड़े, बिल्कुल यहाँ पे आपका स्वागत है। और इसके साथ हम अगली बात करेंगे यहाँ पे, तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ पे मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मुल्ला, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो में दिया हुआ है यहाँ पे, वहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ पे सेशन पसंद आया तो उसको शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक तो करना, जाते जाते सभी लाइक और शेयर करके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सत श्री अकाल, जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन